दोस्तों जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी भी सामान को बल्क में खरीदती या फिर बेचती है तो उसे परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी सामान का ऑर्डर किया है सामने वाली पार्टी को, तो उसका एक पूरा प्रोसेस आपको बनाना पड़ता है जिसमें आपको सबसे पहले कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद आपको उसकी रिसीविंग लेनी पड़ती है। इसके बाद अगर मान लीजिए सामने वाली कंपनी ने आपको कुछ क्वांटिटी कम दी है तो आप बाकी बची हुई क्वांटिटी को यहाँ पर प्री क्लोज कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्टेड निकल जाता है यानी कोई पीस आपका डिफेक्ट निकल जाता है तो आप यहाँ पर उसे किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। आप एक ही ऑर्डर के माध्यम से ये सारे कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं और इसी ऑर्डर के माध्यम से आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आप किस तरीके से परचेज ऑर्डर के कंप्लीट प्रोसेस को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों परचेज ऑर्डर के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ से क्रिएट कंपनी पर। क्रिएट कंपनी पर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ सबसे ऊपर की तरफ आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं एक्सेल इन्फोटेक। इतना करने के बाद हम जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मेलिंग नेम में भी सेम नेम आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अगर वही नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, तो यहाँ पर अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस आप फिल कर दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर फिलहाल इसे अभी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कंट्री यहाँ पर आपको अपने आप दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए, जैसे हम यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर उसे फिल कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर कंपनी का फिल कर दीजिए। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं आपको फैक्स नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप अपना फैक्स नंबर भी टाइप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और अपनी वेबसाइट डालते हुए आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर बिंग फ्रॉम और बुक बिंग फ्रॉम दोनों में ही आपको सेम डेट रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है बेस करेंसी सिंबल पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारे इंडिया के हिसाब से रुपीज़ का सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मल नेम में आपका INR आ रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें सेम रहने देनी है। आपको केवल एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर कंपनी एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ कंपनी फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इन्हें एक्टिवेट करना चाहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो मोर फीचर्स का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये नो दिखाई दे रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करके इसे यस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से हमें GST वाले फीचर को यहाँ पर एक्टिवेट करना है, जो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पहले से ही एक्टिवेट है। और उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा शो ऑल फीचर्स का, तो इसे भी आप यहाँ पर चाहें तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं या इसे यस कर सकते हैं। जब आप इसे भी यस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी को यहाँ पर कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटर करते हुए सीधे GST वाले पार्ट पर आएंगे, और यहाँ पर आपको GST पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्टिव। देन उसके नीचे आप देखेंगे आपको आपका स्टेट दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा दिल्ली है तो हम यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं GST के जो टाइप्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, रेगुलर और कॉम्पोजिशन। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा रेगुलर SEZ, तो अगर आपका जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली रेगुलर को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिनकी कमांड सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है। वो स्टेट अगर आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस कराना होगा। जैसे यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करना होगा। इसी तरीके से अगर जम्मू एंड कश्मीर आपका स्टेट है, लद्दाख स्टेट है, मिजोरम आपका स्टेट है, तो उन सभी केस में आपको यहाँ पर इसे यस करना होगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपको GST नंबर आपको अपना फिल करना होगा, तो हम यहाँ पर कोई भी रैंडमली एक GST नंबर फिल कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग दिखा रहा है कि हमारी जो GST नंबर है वो इनवैलिड है, तो हम यहाँ पर इसे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि GST R1 का। अगर आप अपनी GST को मंथली फिल करना चाहते हैं यानी मंथली फाइलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इसे क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्वार्टरली सिलेक्ट करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा E-invoicing applicable का। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2017 से
करंट फाइनेंशियल ईयर तक यदि किसी भी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो चुका है तो उसके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसे यस करें, अन्यथा आप इसे नो रहने दें। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पर आपको यस करके दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर यस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि कब से आप एप्लीकेबल हुए हैं वो यहाँ पर डेट आपको देनी होगी। और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इनवॉइस बिल फॉर्म प्लेस। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दिल्ली, और दिल्ली रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ईवे बिल दिखाई दे रहा है, यानी ईवे बिल की डिटेल्स आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो दोस्तों ईवे बिल के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप अपने ही माल को सेल करते हैं या फिर अपने माल को फ्रीज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को आप यहाँ पर देते हैं, जिसे जॉब वर्क कहा जाता है, आप अपने ही माल को एक जगह से दूसरे जगह स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ईवे बिल की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की सरकार ने वहाँ के लिए क्या नियम बना रखा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटर स्टेट के लिए 50,000 होता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है इंट्रा स्टेट के लिए यानी कि आपके अपने ही राज्य में 1,00,000 का होता है। तो दोनों के लिए ही आपको यहाँ पर ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे यस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी पहले से ही क्रिएट है और यहाँ पर आप जीएसटी को एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F11 प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने वही फीचर्स फिर से ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल हम इसे यहाँ से स्कैप कर देते हैं और आपको एक बार मेन्यू से भी दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कंपनी वाले फीचर पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फीचर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही फीचर्स आपको यहाँ पर ओपन हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ से जीएसटी को एप्लीकेबल कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल नई कंपनी है जिसके अंदर हमने कोई भी वाउचर ट्रांजेक्शन नहीं कर रखी है और अब हम यहाँ पर परचेज ऑर्डर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम सीधे चले जाएंगे वाउचर्स के अंदर, और वाउचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। यहाँ पर कोई भी वाउचर ओपन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर ही ओपन मिले। राइट साइड में आप देख सकते हैं आपको सभी वाउचर्स की शॉर्टकट की यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज ऑर्डर यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से F10। जैसे आप यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको शो इन एक्टिव पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे वाउचर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से हमें ढूंढना है अपना परचेज ऑर्डर। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जैसे आप परचेज लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर दिखाई दे जाएगा, और उसके बगल में आप देख सकते हैं आपको इसकी शॉर्टकट की भी दिखाई दे रही है जो कि Ctrl+F9 है। अभी आप देख सकते हैं आपका जो परचेज ऑर्डर है वो यहाँ पर अभी हाइड है। फर्स्ट टाइम में आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और एक बार एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि यू नीड टू एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ। तो यहाँ पर हमें यस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर परचेज ऑर्डर आपको दिखाई दे जाएगा, और इसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। आपको सीधे आ जाना है पार्टी नेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर कोई भी लेजर क्रिएट नहीं किया है, मैं डायरेक्टली सभी लेजर्स यहाँ पर ही क्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पूरे परचेज ऑर्डर का प्रोसेस आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेजर क्रिएट करने के लिए या तो अपने कीबोर्ड से स्पेस को दबा दीजिए, स्पेस जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं क्रिएट का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने लेजर विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको अपना पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोहन कॉर्पोरेशन। मोहन कॉर्पोरेशन लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए अंडर ऑफ जाएंगे और यहाँ पर इसे एस दबाते हुए यानी सेंट्रिक रेडर के अंतर्गत रखते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर अभी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, केवल एंटर करके यहाँ नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पार्टी का यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जा रहा है कि आपकी जो पार्टी है वो किस स्टेट की है, तो हम यहाँ पर अभी सेम स्टेट रखते हुए इसे एंटर करेंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप का, और यहाँ पर आपके सामने अननोन कंपोजिशन रेगुलर और अनरजिस्टर्ड कस्टमर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है।
बाय डिफॉल्ट वैसे तो ये तीन ही इस्तेमाल ज़्यादा किए जाते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी पार्टी किसी और रजिस्ट्रेशन टाइप के अंतर्गत आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे शो मोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सभी टाइप्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से आपको किसी एक टाइप को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आपकी जो पार्टी है वो इसमें से किस रजिस्ट्रेशन टाइप के अंतर्गत आती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे रेगुलर रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप करना होगा, तो यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी नंबर टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों जीएसटी नंबर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी जीएसटी डिटेल को यहाँ पर यस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो में आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पर ऑर्डर डिटेल आपको टाइप करनी है जैसे आपसे पूछा जा रहा है मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं कैश। कैश लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है अदर रेफरेंस, अगर आप कैश पेमेंट ना दे पाए तो उसके बाद आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं बैंक। तो दोस्तों बैंक लिखने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी आपको सामान कितने दिनों में चाहिए। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लाइक 30 डेज। 30 डेज लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है रिसिप्ट डिटेल, तो यहाँ पर आपको रिसीविंग की डिटेल सारी टाइप करनी होगी जैसे डिस्पैच थ्रू, यानी किस चीज़ के थ्रू ये माल आपका डिस्पैच होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं ट्रक। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो सामान है वो किस जगह पर डिलीवर किया जाएगा, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लाइक झड़ौदा। झड़ौदा लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कैरियर एजेंट नेम, यानी कौन सा पर्सन इसको लेकर आएगा, तो हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं अमन कुमार। अमन कुमार लिखने के बाद यहाँ से आपसे बिल ऑफ लैंडिंग नंबर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपके पास बिल लैंडिंग नंबर है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। हम फिलहाल इसे यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट डाल सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर 1 अप्रैल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है मोटर व्हीकल नंबर, यानी कौन सी गाड़ी आपका सामान लेकर आएगी, तो यहाँ पर हम गाड़ी का नंबर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी गाड़ी का नंबर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रेंडमली किसी भी गाड़ी का नंबर टाइप कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपकी पार्टी की डिटेल यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगी जो कि है मोहन कॉरपोरेशन। एंटर करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पार्टी का स्टेट, कंट्री और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप से लेकर के उसका जीएसटी नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। और उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में अदर में आप देख सकते हैं टेरिटरी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा स्टेट दिल्ली ही है। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन पहुंचेगा यहाँ पर ऑर्डर नंबर पर पहुंचेगा और यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने ऑर्डर नंबर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने ऑर्डर नंबर को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें कोई भी छिड़खानी नहीं करने वाले हैं, हम इसे 1 रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ पर आपको अपना एक और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट का। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो लेजर है वो यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो भी आपके सामने लेजर विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपने परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर परचेज अकाउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डालेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ लेजर, तो यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे क्योंकि हमारा जो लेजर है वो ना तो यहाँ पर डिस्काउंट है और ना ही यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग है। इन दोनों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। नीचे की तरफ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है स्टेटरी डिटेल, तो यहाँ पर अभी आपको इसे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पर इसे आप अवेलेबल रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका एचएसएन और सैक डिटेल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। एचएसएन बेसिकली होता है जो भी आपका आइटम होता है उसका एक एचएसएन नंबर होता है और जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उसके लिए सैक नंबर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन बाई डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एज पर कंपनी ग्रुप, दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिटेल हेयर एंड तीसरा ऑप्शन है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो तीनों के बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एज पर कंपनी ग्रुप्स, तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, तो ये ऑप्शन आपको हर जगह दिखाई देगा। हम केवल अपने आइटम के ग्रुप में जीएसटी डिटेल को फिल करेंगे और उस ग्रुप के डिटेल के अकॉर्डिंग हमारे आइटम के ऊपर बाय डिफॉल्ट वही जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप
चाहें तो अपने जीएसटी के क्लासिफिकेशन को खुद से यहाँ पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रुप वाइज जीएसटी लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स के अंदर भी हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, यानी टाइप ऑफ सप्लाई आपकी क्या है। तो यहाँ पर हम गुड्स को रखने वाले हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैपिटल गुड्स। दोस्तों ये टैली का एक लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे नए अपडेट किए गए हैं, जो कि पिछले टैलीज के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता था और इस टैली में इस ऑप्शन को ऐड किया गया है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है आपकी जो कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं अपनी एसेट्स के लिए, यानी जो आपकी फिक्स एसेट्स हो जाती हैं उसके लिए आप टाइप ऑफ सप्लाई का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर गुड्स को परचेज करेंगे और गुड्स रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस विंडो को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर आइटम की डिटेल मांगी जा रही है। अगर आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया है, हमारी जो कंपनी है बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पर आइटम क्रिएट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ से स्टॉक आइटम के लिए क्रिएट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से ऑल्ट सी करके कंपनी का आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने आइटम का नेम टाइप करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ऑफ आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसकी स्टॉक कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है कि ये किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन हमारे सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहते हैं कि इस आइटम की और भी कुछ डिटेल्स हैं जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से यहाँ पर F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का। आप यहाँ पर इसे येस कर दीजिए। येस करने के बाद आप इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। कंट्रोल A प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप अपने आइटम के स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हम कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर टाइप कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हम यहाँ पर अंडर ऑफ इसका ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या तो आप चाहें यहाँ से भी ऑल्ट सी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एप्पल। यहाँ पर आप इसे अंडर ऑफ प्राइमरी देते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, तो यहाँ पर आप इसे येस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वही तीनों ऑप्शन आपको फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम अपने स्टॉक ग्रुप के अंदर अपने जीएसटी को डिफाइन करेंगे जो कि हमारे आइटम के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ से हम अपने सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर का। इसको हम जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका इसका HSN नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर हम HSN नंबर रैंडमली कोई भी टाइप कर देते हैं। HSN नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप अपनी आइटम की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं मोबाइल और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, यानी आपको यहाँ पर अपनी जीएसटी के रेट्स और रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर का। इसको सिलेक्ट करते हुए अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्सेम्प्ट का। अगर आपका कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि टैक्स मुक्त है तो आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके आइटम को निल रेटेड में रखा गया है तो यहाँ से हम निल रेटेड को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं नॉन जीएसटी गुड्स। तो नॉन जीएसटी गुड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो सभी आइटम होते हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि उसे जीएसटी की श्रृंखला से बाहर रखा जाता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, तो इन आइटम्स को आप यहाँ पर नॉन जीएसटी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टैक्सेबल का। तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है। टैक्सेबल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको अपना जीएसटी रेट टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पर अपना जीएसटी रेट टाइप कर देते हैं 18%। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेस वैल्यूएशन टाइप। तो दोस्तों ये जो सेस वैल्यूएशन टाइप है ये इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में, तो फिलहाल हम इसे यहां पर नॉट एप्लीकेबल रखने वाले हैं। नॉट एप्लीकेबल रखते हुए हम यहां पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहां पर यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप अपना यूनिट टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहां पर अपनी कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप यहां पर कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां पर आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का। आपको इस वाले ऑप्शन को यहां पर यस कराना है। यस कराते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा यूज स्टॉक कैटेगरी
फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यहाँ पर येस कराना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ऑफ ग्रुप के नीचे आपको कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर भी आप ऑल्ट सी करके अपनी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं मोबाइल, और उसके बाद यहाँ पर इसे एंटर करके सेव कर देंगे। यूनिट्स आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नोज टाइप कर दिया, नोज टाइप करने के बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम में आप चाहें तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं यूनिट, और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपको अपना यूनिट क्वांटिटी कोड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम एंड टाइप करेंगे तो नोज का नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको इसे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आपको यहाँ पर जीरो रहने देना है, उसके बाद इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे फिर से यहाँ पर जीएसटी की डिटेल आपसे मांगी जा रही है, जो कि आपकी यहाँ पर पहले से ही फुलफिल हमने कर रखी है। कहाँ पर? अंडर ऑफ ग्रुप के अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई है, केवल एंटर प्रेस करके यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्वांटिटी देनी होगी, यानी कितनी क्वांटिटी में आप गुड्स को परचेस कर रहे हैं। तो हमने मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर 100 क्वांटिटी यहाँ पर ली है। इसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पूछा जा रहा है रेट, यानी रेट कितना होगा आपका पर आइटम का। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 95,000, और इसके बाद यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। टोटल मल्टीप्लाई हो करके आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। आपको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। ऑन ड्यू में आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको 100 नोज का टोटल अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ एंटर प्रेस करना है। अगर आप और भी किसी आइटम को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके और भी आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक आइटम ही रखने वाले हैं। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपना जीएसटी यहाँ पर लगाना होगा। तो जीएसटी के लिए यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको लेजर बनाना है सी जीएसटी का। सी जीएसटी लेते हुए यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है और अंडर ऑफ इसे डाल देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेने के बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर आपको यहाँ पर जीएसटी को सिलेक्ट करना है। जीएसटी को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स टाइप आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है IGST, CGST, SGST एंड UTGST और SES। तो फिलहाल हम यहाँ पर CGST और SGST को इस्तेमाल करने वाले हैं। SGST के साथ साथ आप यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, UTGST। UTGST का यहाँ पर जो मतलब है वो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आपका स्टेट अगर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर लेना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर CGST के लिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आपको भी कोई भी परसेंटेज फिल नहीं करनी है, आपको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। राउंडिंग मेथड में भी आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए एंटर करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपका टैक्स यानी CGST आपको दिखाई दे जाएगा, यानी हमारा जो टैक्स था वो 18% का था, 9% आपको CGST यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप एक बार और एंटर प्रेस करके ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एक दूसरा लेजर क्रिएट करना है UTGST के नाम से। यहाँ पर हम SGST के बजाय यहाँ पर UTGST इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो दिल्ली है और दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर SGST की जगह UTGST लगता है। तो यहाँ पर हम UTGST सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका स्टेट केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता तो यहाँ पर आपको SGST टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करते हुए GST को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको SGST/UTGST वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेम एंटर करके आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका परचेज ऑर्डर का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू दिखाई देगी GST के साथ इंक्लूड होकर के। नीचे की तरफ एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर नरेशन पर पहुँच जाएंगे और नरेशन में आपको यहाँ पर नरेशन टाइप कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे परचेज ऑर्डर का जो पूरा प्रोसेस था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। स्कैप करके एक बार हम बाहर जाते हैं और यहाँ से मैं आपको बैलेंस शीट पर क्लिक करके अपनी बैलेंस शीट दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी एसेट्स के अंदर कोई भी गुड्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही हमारी कोई करंट लायबिलिटी अभी शो कर रही है। अभी हमने केवल परचेज ऑर्डर किया है, यानी सामान का हमने केवल ऑर्डर किया है, सामान अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिसिप्ट नोट का होगा। तो इसके लिए हम फिर से वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको वापस से F10 प्रेस करना है। या तो आप यहाँ से F10 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा
अदर वाउचर्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको वापस से शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसीप्ट। रिसीप्ट टाइप करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसीप्ट नोट आपको दिखाई देगा, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F9 है। यहाँ पर इसे भी एक्टिवेट करना होगा, तो यहाँ पर हम इसे एंटर प्रेस करके एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। डेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी, यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था वो पार्टी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, तो मोहन कॉरपोरेशन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर नंबर था हमारा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऑर्डर नंबर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने ऑर्डर नंबर 1 में फिल की थी, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन, हमारी गाड़ी का नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने ऑर्डर डिटेल और रिसिप्ट डिटेल, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। हमको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। अगर आपके पास यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई भी रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर भी आपको एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद परचेज का लेजर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको केवल यहाँ पर एंटर प्रेस करते जाना है और आपकी सारी ट्रैकिंग डिटेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिल होती चली जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ पर जो ऑर्डर किया था वो यहाँ पर 100 पीसेस का ऑर्डर किया था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अभी हमें 90 पीस भेजा है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो हमें 10 पीस बाद में भेज देंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम 90 पीस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 100 को हटा करके 90 पीसेस डाल देंगे और यहाँ पर इसे एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करते ही जैसे आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ये एंट्री बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव होती चली जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो नरेशन फिल कर सकते हैं, विदाउट नरेशन इसे सेव कर रहे हैं। अब मैं आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाना चाहूंगा। स्कैप करके जैसे हम बाहर जाएंगे, बैलेंस शीट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी करंट लायबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंडिकेटर का अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि हमें यहाँ पर इसे पे करना है। परचेज बिल कम्स का आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हमारे 90 पीस का जो टोटल अमाउंट वैल्यू थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम स्कैप करके बाहर आ जाते हैं। एसेट्स की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्लोजिंग स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एप्पल के 90 पीस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों रिसिप्ट नोट कंप्लीट होने के बाद हमारे जो 10 पीस बैलेंस बचे हैं, हम नहीं चाहते कि हम उसे वापस से लेना, तो उसे हम यहाँ पर प्री क्लोज करेंगे। प्री क्लोज करने के लिए आपको यहाँ से जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी ऑर्डर क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि 100 पीसीस है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि 10 पीसीस है। हम नहीं चाहते कि 10 पीसीस वापस से सामने वाली पार्टी से लेना, तो हम यहाँ से इसे प्री क्लोज करेंगे। प्री क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, जो है ऑल्ट प्लस W। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट प्लस W प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं प्री क्लोज क्वांटिटी का आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से आप जितनी क्वांटिटी को प्री क्लोज करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो मैं 10 के 10 पीस को यहाँ पर प्री क्लोज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 10 लिखते हुए एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रीजन फॉर प्री क्लोज, यानी आप इसे प्री क्लोज क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीजन आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर लिख देते हैं अदर्स, हमारा कोई भी अदर रीजन हो सकता है। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये एंट्री यहाँ से गायब हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे जैसे ही एक्सेप्ट किया हमारी एंट्री यहाँ से गायब हो चुकी है। इसके बाद हम स्कैप करके बाहर आ जाएंगे वापस से गेटवे ऑफ टेली पर। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने जितने अमाउंट का यहाँ पर परचेज किया हुआ है वो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग डिटेल्स में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप एसेट्स एंड लायबिलिटी में देखें तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी भी इतनी शो कर रही है। अगर आप इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी लायबिलिटीज यहाँ पर क्यों है वो आपको दिखाई दी जाएगी। लायबिलिटी हमारी सिंडी क्रेडिटर की है, यानी हमने जो इससे माल परचेज किया है अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं की है, इसलिए हमारी ये लायबिलिटीज़ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ पर अगर आप परचेज अकाउंट पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा बिल जो है वो अभी यहाँ पर कम्प्लीटली पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, यानी अभी हमने इसे पूरी तरीके से परचेज नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर परचेज ये एंट्री पास करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पर 100 आईफोन का ऑर्डर किया,
जिसमें से कि हमने 90 पीसेस यहाँ पर रिसीव किए और इसके बाद हमने 10 पीस को यहाँ से प्री क्लोज कर दिया। यानी मान लीजिए हमारे पास जो भी 90 पीस बचे हुए हैं, उस 90 पीस में से 10 पीस हमारे पास डिफेक्टेड है, जो कि हम कंपनी को रिटर्न करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है रिजेक्शन आउट। और उसके बाद हमारे पास वापस 80 पीस आ जाएंगे और उसके बाद हम उन सभी आइटम को एक साथ परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद सामने वाली पार्टी को उसकी पेमेंट कर देंगे। तो आइए बाकी के जो प्रोसेस है उसको फटाफट यहाँ पर सीख लेते हैं। स्कैप करके बाहर आएंगे, वापस से वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर आपको परचेज करने के लिए या तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पर परचेज का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर परचेज विंडो ओपन हो जाएगी। सप्लायर इनवॉइस नंबर भी आपसे यहाँ मांगा जा रहा है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर बिना फिल करें यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेट डालते हुए इसे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आपको अपनी पार्टी सेलेक्ट करनी है, जिस पार्टी से आप गुड्स को परचेज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मोहन कॉरपोरेशन को ही सेलेक्ट करेंगे। अपने ऑर्डर नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑर्डर नंबर से हमने यहाँ पर परचेज ऑर्डर दिया था, हम उस ऑर्डर नंबर को यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर रेंडमली अपने आप फिलफिल हो जाएगी। हम यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर भी आपको एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर परचेज का लेजर पहले से ही बना रखा है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आपको 90 पीसेस रखनी है, यानी 90 पीस को हम यहाँ पर परचेज करने वाले हैं और एंटर करके आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो GST है वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, यानी किसके माध्यम से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम मास्टर कंपनीज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका CGST और UTGST दोनों ही आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा, इसे भी आप यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ईवे बिल अभी हम यहाँ पर जनरेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसे यहाँ पर नो रखेंगे और यहाँ पर इसे एंटर करके इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर F5 को प्रेस करेंगे। F5 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट करना है, यानी किस माध्यम से आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर कोई भी कैश नहीं है, तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कैश को डाल लेते हैं। हम कैश के ऊपर वापस से जाएंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो कैश का यहाँ पर लेजर ओपन हो जाएगा और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ओपनिंग बैलेंस का एक ऑप्शन। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट फिल कर लेना है, तो हम यहाँ पर 2 करोड़ रुपए डाल करके एंटर प्रेस कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कैश में इतना अमाउंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद जिसको आपको पेमेंट करनी है उस पार्टी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से मोहन कॉरपोरेशन को सिलेक्ट करने वाले हैं। मोहन कॉरपोरेशन को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें मोहन को 1,89,00,000 रुपए की पेमेंट करनी है, जिसमें गुड्स के अलावा GST भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम इसकी फुल पेमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, तो हम फटाफट यहाँ पर अमाउंट फिल कर लेते हैं। अमाउंट को फिल करने के बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आपको दिखाई देगा, इस पर आपको सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पेंडिंग बिल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो बिल नंबर को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं मोहन कॉरपोरेशन का यहाँ पर अमाउंट जो था वो 0 हो चुका है और हमारे पास से कैश यहाँ से जा चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप स्कैप करके बाहर आइए और उसके बाद मैं आपको फिर से डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा। जैसे हम डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर परचेज अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने इतने का टोटल अमाउंट परचेज किया है। करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका नेट ट्रांजेक्शन ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि CGST और UTGST है। स्कैप करके हम वापस से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास कैश इन हैंड कितना अमाउंट बचा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी इस डैशबोर्ड के माध्यम से आप सभी चीज़ों को एक ही जगह से एनालिसिस कर सकते हैं। पहले हमें यहाँ पर बैलेंस शीट अलग से देखनी होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अलग से देखना होता था, स्टॉक समरी अलग से देखनी होती थी और एनालिसिस को अलग से देखना होता था। अब हमारे पास यहाँ पर एक डैशबोर्ड दे दिया गया है जिसके माध्यम से हम सभी चीज़ों को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं और उसे यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे एंट्रीज को बढ़ाते हैं। स्कैप करके वापस से बाहर आएंगे और यहाँ से वाउचर्स में वापस से चले जाएंगे। इसके बाद की जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो होगी हमारी रिजेक्शन आउट की। तो यहाँ से हम आइटम को रिजेक्ट करने वाले हैं, वाउचर्स में वापस से जाएंगे।
F10 की को आप वापस यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ से अदर्स वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपको रिजेक्शन आउट दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको स्पेस प्रेस करना है और यहाँ से आपको अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है जिससे आपने गुड्स को परचेज किया था। यहाँ पर सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस में भी आपको सेम नेम रहने देना है। यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे आ जाना है नेम ऑफ आइटम्स में। यहाँ पर आपको फिर से स्पेस दबाते हुए अपने आइटम को सिलेक्ट करना है जिस आइटम को अब यहाँ से रिजेक्ट करने वाले हैं। इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपसे क्वांटिटी मांगी जा रही है कि आप कितने पीसेस को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने बेसिकली 90 पीस यहाँ पे परचेज किया था जिसमें से हम 10 पीस को यहाँ से रिजेक्ट करने वाले हैं। 10 पीस को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट और टोटल अमाउंट यहाँ पर बाई डिफॉल्ट अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा। हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इस एंट्री को यहाँ पर सेव करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे तो स्कैप करके आप बाहर जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप अपने स्टॉक को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर 18 नोज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी 10 पीस हमारे पास से यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले के अकॉर्डिंग कम हो चुका है। इसके बाद अगर आप सिंडिकेटर का अमाउंट देखते हैं तो इतना अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी इतना पैसा हमें सिंडिकेटर से यहाँ पर वापस लेना होगा क्योंकि हमने 10 पीस को यहाँ से रिटर्न कर दिया है और हमने यहाँ से उनकी फुल पेमेंट कर दी थी। यहाँ पर जाकर के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज बिल कम्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसे वापस से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप परचेज ऑर्डर के पूरे प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।